हेलो दोस्त, मैं यहाँ सुकुमार यादव एक बार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूँ दोस्त। तो दोस्त, आपको पता है कि अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो बिहार बोर्ड के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में डाल रहा हूँ, आपको पता है और आपको विश्वास भी करना होगा, ठीक ना। आप देखिए, विश्वास कीजिएगा तभी हम आपको कंटेंट में प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक ना। तो दोस्त देखिएगा कि आप क्वेश्चन उल्टा के देखिए ना, उल्टा के क्वेश्चन देखिए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उल्टा के सिर्फ चेक करना है, क्लियर। आइए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए मैं कौन कौन क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ दोस्त, तो आपको पता होगा। देखिए दोस्त, मैंने इसमें जो ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, ठीक दोस्त, एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन अपना हो चुका है और आज मैं इस क्वेश्चन को मैं डिराइव करूँगा और ये क्वेश्चन को डिराइव करूँगा जो आपको कवर किया हूँ। इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना, कह रहा है प्रूफ करना है कि जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं नोट करूँगा, ठीक है दोस्त। आइए एक मिनट रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। चलिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मेरे पास क्या था, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर मानेंगे, क्लियर। आइए माना कि, क्लियर, माना कि 1/√2, चलिए दोस्त, 1/√2 एक, क्लियर, एक क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ, परिमेय संख्या, ठीक दोस्त। आइए, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्त। जब ये परिमेय संख्या है अपने पास तो आप क्या करेंगे, इसमें देखते जाइए, यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्त, देखते जाइए, 1/√2 = p/q। देखिए ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को तो हम लोग लिखते हैं, परिमेय संख्या को p/q के टर्म में लिखेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक ना। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर मेरे भाई, तो देखिए आपको क्या निकल के आएगा, या तो आप चेंज भी कर सकते हैं, क्या ये रेसिप्रोकल है, इसको चेंज कर दीजिए, उलट दीजिए, तो आपको उलटने पर आपको क्या निकलेगा, ये, और यहाँ पर क्या निकलेगा, q/p हुआ। देखिए अब क्या हुआ, पहले p/q था, अब क्या हुआ, q/p हो गया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मेरे भाई, देखिए दोनों अब क्या है, अब रूट को हम हटाना चाहूँगा, यहाँ पर रूट को मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक ना। तो दोनों और आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, दोनों और वर्क करने पर, क्लियर, यहाँ पर लिख लीजिए ना, दोनों दोनों और दोनों और वर्क करने पर, वर्क करने पर ना, वर्क करने पर, क्लियर, वर्क करने पर, तो करिए आप लोग वर्क कर लीजिए, क्लियर। आइए मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ। देखिए दोस्त, अब इसको वर्क करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखिए तो √2 का होल स्क्वायर = q/p का होल स्क्वायर, क्लियर। ये देखिए आप देखते जाइए, देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर से रूट मेरा कैंसिल, तो बचा मेरे पास 2, और यहाँ पर बचेगा क्या, क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर पी का स्क्वायर, क्लियर, ये दोनों हो गया मेरे पास, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या कीजिए, एक क्यू एक पी को आप इधर भेज दीजिए, है ना, इसमें से एक पी को, नीचे वाले पी को, है ना, हार वाले पी को आपको इधर भेज देना है, तो क्या हुआ, 2p, बचा क्या मेरे पास, 2a² अपोन में पी, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर दोस्त, इक्वेशन फर्स्ट मानिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ 2p एक प्राकृतिक संख्या है, माने ना, पी क्या है, पी जो है ना मेरे पास, पी एक जो है ना आपका, पी आपको ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हो ना, पॉजिटिव नंबर लेना आपको पी, तो पुट करके देखिए तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इतने यहाँ, ठीक ना, क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ना पी और क्यू का एचसीएफ एक होगा,
तो एचसीएफ किसका होता है, एक पी और क्यू का एचसीएफ जब एक होगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे मेरे पास पी है और क्यू है, जब दोनों का एचसीएफ लूँगा तो एक होगा, तो एचसीएफ किसका निकलता है, निगेटिव संख्या का तो हम लोग ना निकालते हैं, पॉजिटिव को ही निकालते हैं, है ना, हमेशा पॉजिटिव का निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्लियर, आपको हमेशा क्या होगा दोस्त, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्लियर मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ टू पी क्यू एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्लियर, क्या है, प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए, ठीक ना, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या है, क्लियर, लेकिन लेकिन क्या, बार बार यही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ क्या दोस्त, लैंग्वेज कोई अलग नहीं है, लेकिन मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या था, पी, एक क्या है मेरे भाई, ये भिन्न संख्या है, क्लियर, ये क्या होगा मेरे पास, भिन्न संख्या है, क्लियर, क्या होगा, भिन्न संख्या, तो आपको जवाब ये देना है कि प्राकृतिक संख्या चूँकि है ना, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या होगा, क्या होगा, भिन्न संख्या, ठीक ना, क्लियर हो रहा है ना, प्राकृतिक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, ठीक दोस्त, तो आप तो ये, आप तो ये मान रहे थे, गलत मान रहे थे आप, ये तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन आप इसे परिमेय मान सके था, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, इसीलिए ना, इसी लिए यहाँ हमारी ना, हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ, ठीक ना, गलत क्या हुआ, साबित हुआ, क्लियर में भाई, क्या हुआ, गलत साबित हुआ, क्लियर हो गया ना, कहीं पर दिक्कत कहीं पर भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में एक स्टेप लिख लीजिए, अतः क्या, अतः वन बाय रूट टू एक क्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं, परिमेय हम मान लिए थे, मगर ये होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्लियर, क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक, ये सिंगल था, सिंगल है तो आपको स्क्वायर करना है बोथ साइड, अगर सिंगल नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्लियर ना। चलिए मैं एक बार जूम कर स्क्रीन थोड़ा मैं छोटा करूँगा ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश करें, देखिए दिख रहा है ना दोस्त, एक ही स्लाइड पर दिख रहा है, आप लोग आराम से शॉर्ट स्क्रीन लेके आप लोग जूम करके नोट कर सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग देखिए दोस्त, मैं शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे कहने से आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते ना शेयर कर सकते हैं, ठीक ना, आपकी मर्जी होगा तभी आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहता हूँ ना, मैं नहीं कहता हूँ जल्दी कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आपको इच्छा है कीजिए, नहीं इच्छा है कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर दोस्त। तो मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूँगा, एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा दोस्त, क्लियर, यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहूँगा दोस्त कि देखिए ये क्वेश्चन को आपको बना लेना है, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, क्लियर, एक मिनट रुक जाइएगा दोस्त, थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ, चलिए एक मिनट, तो यहाँ चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओके, मैं एक मिनट दोस्त, मैं इसको यहीं पे लिखूँगा, ठीक ना, चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ही इसको नोट करूँगा, देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि मेरे पास 7 है और रूट 5 है, अब इसका आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक ना, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैं कर लिया, ठीक है, ये कमेंट करके मुझे बताइए आपका होमवर्क, करना क्या है इसमें, आपको स्क्वायर नहीं करना है, आपको सिर्फ परिमेय संख्या लिखेंगे तो 7√5 लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू लिखेंगे, और ठीक दोस्त, जब पी वाई क्यू लिखेंगे तो देखिए, जब पी वाई क्यू लिखेंगे ना तो ये √5 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर पी लिखना है, यहाँ पर क्या होगा,
7 क्यू, बस हो गया। ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, और परमेय संख्या, परमेय संख्या कभी बराबर नहीं, बस प्रूफ हो गया। एक ही लाइन कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको बेहद ही पसंद आएगा और एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। आराम से पढ़िए, एक दो दिन में आप ऑब्जेक्टिव में लेके आऊँगा और पूरा ऑब्जेक्टिव में करवाऊँगा, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पूरा कंसेप्ट के साथ। और एक मिनट के साथ ही आप लोग 30-30 सेकंड में ऑब्जेक्ट को उड़ा दीजिए, इस तरह से उड़ा दीजिए, यूँ यूँ उड़ा दीजिए, 30-30 मिनट में दोस्त, मास्क 30 सेकंड में, सॉरी 30 मिनट का, सॉरी दोस्त 3 सेकंड में, कितना 30 सेकंड में क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा, ठीक ना, 30 सेकंड में, हाँ 30 सेकंड में दोस्त, मैं कह रहा हूँ ना 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में। एक मिनट जो स्टूडेंट बनाएगा ना उसके तुलना में आप कितना 30 मिनट 30 सेकंड में बना सकते हैं। यूँ उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन, देख के आप, मेरा पूरा कंसेप्ट के साथ मैं बताऊँगा। तो दोस्त आज के लिए वीडियो में यहीं पेंट करूँगा, तो दोस्त जय हिंद दोस्त, थैंक यू।